व्हाट इफ आई टेल यू दैट देयर आर टू तमिलनाडु? यस दैट्स करेक्ट। कौन से हैं ये दो तमिलनाडु, आज के एपिसोड इसी के बारे में है। चलिए शुरू करते हैं। आज है चंडीगढ़ टू ऑस्ट्रेलिया साइकिलिंग ट्रिप का डे 353। जगह है न्यू वैली। एक नई सुबह है और जहां मैं रात को रुका था ये है नायरा का पेट्रोल पंप। सुबह के 9 बज चुके हैं। आज एक छोटा सा स्वागत समारोह ऑर्गेनाइज किया है इस पेट्रोल पंप के मालिक रामदास जी ने। तो लॉयंस क्लब के कुछ मेंबर आए, उन्होंने शॉल देकर के मेरा स्वागत किया। उनके साथ बैठ कर के बातचीत हुई। उन्होंने मुझे अपने साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए इन्वाइट किया, तो मैंने रामदास जी को धन्यवाद कह करके उनसे इजाजत ली। वहीं के बस स्टैंड के कैंटीन पे बैठ के हमने सुबह का नाश्ता साथ में किया। उसके बाद मैंने यहाँ से अपना सफर पुडुचेरी या पौंडीचेरी की तरफ स्टार्ट किया। जब मैं अपने सफर पर आगे बढ़ रहा था तो बहुत से लोगों ने मेरे साथ इंटरेक्ट किया, वो भी अपनी एक लिमिटेड और बेसिक इंग्लिश के साथ। और इस प्रॉब्लम के लिए मुझे किसी भी तमिलियंस को ब्लेम नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये यहाँ के गवर्नमेंट का और एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम है। तमिल लैंग्वेज यहाँ की फर्स्ट लैंग्वेज है और इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ की सेकेंड लैंग्वेज है, जो कि बाकी स्टेट्स की तरह सेम है। लेकिन यहाँ पर इंग्लिश पर इतना कम फोकस है और तमिल लैंग्वेज पर इतना ज़्यादा कि 11वीं 12वीं करने के बाद भी लोग ठीक से इंग्लिश बोल ही नहीं पाते हैं। शायद समझ लेते होंगे। तो ये फेलियर इनके एजुकेशन सिस्टम का है, लोगों का इसमें कोई गलती नहीं है। होना तो ये चाहिए कि मेन लैंग्वेज के साथ साथ हम एक पैरेलल लैंग्वेज पे भी फोकस करें, सो दैट वी कैन कनेक्ट विद द वर्ल्ड। अब जैसे कनी भाई की बात कर लो, वो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं लेकिन उनकी इंग्लिश इतनी बेसिक है कि वो कभी बाहर जाने का सोच भी नहीं पाएंगे। तो कितने लोगों के सपने हैं जो इस एजुकेशन सिस्टम की भेंट चढ़ गए होंगे आज तक। और ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, कितने और लोग होंगे जिनके सपने इस एजुकेशन सिस्टम की भेंट चढ़ चुके हैं। उम्मीद है आने वाली पीढ़ी थोड़ी बेहतर होगी। यही वो लोग हैं जिन्होंने मेरी सोच तमिलनाडु के बारे में एकदम बदल करके रख दी है। उस दूसरे तमिलनाडु में जहां लोगों के साथ इंटरेक्ट करना बहुत मुश्किल लगता था, वही इस तमिलनाडु में वो सब बहुत आसान है। और मुझे लगता है कि लिमिटेशन सिर्फ भाषा की है, हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, यहाँ कर पाते हैं। एंड सच बताऊं तो जब आप लोगों से बात ना कर पाओ ना, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। ना आप उनके बारे में जान पाते हो, ना वो आपके बारे में जान पाते हैं। मैं साइकिल पे चला जा रहा था, पीछे से एक आदमी आया और उसने बस ऐसे हाथ हिलाया और मैंने भी बदले में हाथ हिलाया और वो आगे निकल गए। 1 किलोमीटर बाद जाकर के मैंने उनको रोड के किनारे पे खड़ा हुआ देखा। उन्होंने मुझे चाय पीने के लिए इन्वाइट किया और मैंने कहा ठीक है, चाय पी लेनी चाहिए। तो मैं उनके साथ पास ही की एक चाय की दुकान पर चला गया। वहां जाकर के हमने साथ में चाय पी, कुछ खाना खा लो पूछ रहे थे तो मैंने कहा नहीं अभी ब्रेकफास्ट किया, खाने की इच्छा नहीं है, चाय काफी रहेगी। थैंक यू सो मच। यू ऑफर टी एवरीबॉडी और समथिंग स्पेशल? Yes. You offer tea. Those who meet on your way, you ask for tea. Tea, coffee. हाँ, you always do. Always. पता नहीं उनको क्या सूझा, वो अंदर शॉप पे गए और वहाँ से पानी की बॉटल, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट, बहुत कुछ खरीदने लगे। मैंने उनको रोकने की कोशिश की पर उन्होंने मेरी नहीं सुनी। मैंने भी उनकी सप्रेम भेंट स्वीकार करते हुए उनको धन्यवाद दिया। I am having a different look of Tamil Nadu right now. What is he doing is buying this and this. No need. I was not expecting it. This will happen in Tamil Nadu anyway. So when I removed these two bottles of water, he added one cold drink and that. आइए इनसे मिलते हैं। Bro, what's your name? Shiva. Shiva. Amit. Nice meeting. और शिवा अकेले ऐसे इंसान नहीं है। जैसे मैंने राइड आगे की तरफ करना शुरू किया तो एक और लोकल ने मेरे साथ बातचीत करने शुरू की। This is called as Vodalur. Vodalur, yes. Yeah, what's your name? My name is Siddharth, man. And your name? Oliver. Oliver the Great. हमारी इसी बातचीत के दौरान उन्होंने मुझे वेलोर टेम्पल के बारे में बताया और कहा कि आपको वहाँ पर जरूर जाना चाहिए। वडालूर वडला टेम्पल। वडला टेम्पल। ओके, टेल मी अबाउट दिस वडला। एक्चुअली वडला इज अ सेंट हु लिव्ड हियर। ही हेल्प्स अ लॉट ऑफ पीपल। ही जस्ट ऑफर्स फूड। एक्चुअली ही इज अ वेजिटेरियन, व्हिच ही सेज मींस killing an animal is an offense. Each and every life has a purpose. We should not harm them. That's so nice. Yeah. उनकी बात सुनने के बाद मैंने उनसे प्रॉमिस किया कि हाँ मैं जरूर जाकर के उस टेम्पल को देखूंगा। I'll go and see. Yeah. I'm looking at a different part of Tamil Nadu, different side of Tamil Nadu together. Initially when I was complaining that these people are very shy, they don't talk. But right now when I'm here going towards Puducherry,
this perception is changing completely. I'm having lots of interaction and lots of information. Thank you so much. That's really kind of you, and sharing this information is wonderful. All the best for your travel. Thanks. Make proud of India. Jai Hind. So, उन्होंने मुझे उस टेम्पल के एंट्री गेट तक ड्रॉप किया और वहाँ से यू टर्न लेकर के वो अपने ऑफिस की तरफ चले गए, और मैं छोटी सी पतली सी सड़क से होता हुआ विल्लो टेम्पल की तरफ आगे बढ़ा। रास्ते के दोनों तरफ नीम के पेड़ थे और उसके नीचे बहुत सारे जरूरतमंद लोगों को बैठे हुए देखा। सामने सड़क के एंड में टेम्पल नजर आ रहा था विद अ गोल्डन टॉप। जैसे मैं मंदिर के पास पहुंचा, किसने मुझे हेलो बोला, मुड़ के देखा तो ये सिद्धार्थ भाई थे। वो वापस मुड़ के इसलिए आए ताकि मुझे मंदिर दिखा सके। इट वॉज रियली नाइस ऑफ हिम। पार्किंग में जाकर मैंने अपनी साइकिल खड़ी की। सबसे पहले एक बड़ा सा हॉल आता है, उस हॉल को पार करके आप पहुंचते हैं मंदिर में। तो इस टेम्पल के बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं, आइए। Yeah, man. Actually, this is Vallala temple. They will be opening once in a month for showing the divine light to the peoples. Here, what we have believed is God has no form. God is believed in the form of light over here. We call it in Tamil, it is known as Jyothi. Jyothi over here. मंदिर देखने में हमें बस 10 मिनट का वक्त लगा और हम उसके बाद बाहर निकल के आ गए। यहाँ पर एक और बड़ी शानदार चीज हुई। ना, ये नहीं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये तो पूरा मेस है। इंटरेस्टिंग चीज इसके बाद है। तो जनाब, हुआ यूं कि सिद्धार्थ मुझे अपनी तरफ से कोई यादगार गिफ्ट देना चाहते हैं। यही सोच करके हम पास की शॉप पर जाते हैं और वहां से मैं अपने लिए सबसे छोटी सी फोटो उठाता हूँ ताकि कैरी करना आसान हो। वहां पर होती है ये एक्साइटिंग सी चीज। दिस गाय वांटेड टू गिफ्ट मी दिस, नाउ आई हैव गॉट टू गिफ्ट्स। व्हाट्स योर नेम सर? Vasant Raja. So, yeah. Actually, it's really nice of you, sir. I'll definitely read it. After reading this, you know, you'll know who he is. Yes, definitely. I'll spare some time. Thank you so much. तो वक्त आ गया था सिद्धार्थ को और उसके दोस्त को बाय कहने का, और यहाँ से मैंने अपना सफर वापस शुरू किया। मैं 30 मिनट के आसपास ही राइड किया हूँगा, 11:30 बजे का टाइम होगा, लेकिन धूप इतनी जबरदस्त थी कि उसमें चलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो रहा था। शेल्टर ढूंढ रहा था रुकने के लिए, तो लेफ्ट साइड में एक बंद पड़ी हुई शॉप नजर आई, उसके सामने एक टीन का शेड था। मैं वहीं बैठ गया और टाइम पास करने के लिए 1 किलो से ज्यादा मूंगफली मैंने छील दी। जब ये करके भी टाइम पास नहीं हुआ तो मैं वहीं पर लेट गया और करीब 2 घंटे तक सोया रहा, और इस तरह से मैंने 4 बजे तक का अपना टाइम यहाँ पर सोकर बैठकर पास किया। टाइम इज 4:00 एंड आई एम स्टार्टिंग द राइड नाउ। टेम्परेचर इज लिटिल डाउन, तो 4 to 7 आई विल राइड। लेट्स सी हाउ मच वी कैन कवर। लेट्स सी। थोड़ा आगे बढ़ा था तो एक अजीब सा खिलौना मैंने एक लड़के को सड़क पर लेकर जाते हुए देखा। मुझे अपना बचपन याद आ गया। बचपन में हम लोग भी इसी तरह की अलग अलग चीज़ों के इस तरह के खिलौने बनाते थे और ऐसे एक लकड़ी के साथ बांध करके उसको चलाते हुए घूमते रहते थे। तो मुझे ये बहुत एक्साइटिंग लगा। मैं इसके बारे में जाकर उस लड़के से बात करना चाहता था, पर वो तो शायद बात कर ही नहीं सकते थे या करने में इंटरेस्टेड नहीं थे। हाय, हेलो भैया। तो सुन ही नहीं रहा। हेलो, गुड। दिस, ओह माय गॉड, ही इज नॉट पेइंग अटेंशन टू मी। आई एम गोइंग टू आस्क अबाउट इट। व्हाट इज इट डूइंग? इट डजंट वांट टू टॉक, नॉट स्टॉपिंग। इज इट द लैंग्वेज प्रॉब्लम? सी, गोइंग ऑन द रोड लाइक दिस, कम ऑन। 6:20, सनसेट इज डन। आई विल गो फॉर 40 मोर मिनट्स। लेट्स सी वेयर आई गो। तो जनाब, शाम के 6:30 बज चुके थे, अंधेरा होना शुरू हो चुका था, और यही वो टाइम है जब मेरा माइंड अलार्म करता है कि चलो रहने की जगह ढूंढ लो। तो एक पुल को पार करते हुए मुझे लेफ्ट साइड में एक सेक्युलेटेड सा टेम्पल नजर आता है। मुझे लगा रुकने के लिए जगह बहुत शानदार है। एक ये नदी के किनारे पे था, दूसरा ये इसके आगे आगे रास्ता बंद हो जाता था, तो इस रोड पे कोई आता भी नहीं था। पर अंधेरा होने में थोड़ा वक्त था, तो मैं सोच रहा था थोड़ा डिस्टेंस भी कवर कर लूं। यही सोचते हुए मैं करीब 300-400 मीटर आगे निकल गया, लेकिन कोई ना कोई ऐसी पावर थी जो मुझे कह रही थी कि यू टर्न लो और जाओ वहां पर रुको। और मैंने पिछले कुछ सालों में साइकिलिंग करते हुए ये तो सीख ही लिया है कि अगर आपका कॉन्शियस आपसे कुछ कहे तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और यही सोच करके मैंने 400 मीटर बाद जाकर के यू टर्न लिया, और मैं चलता हुआ जब उस टेम्पल पर पहुंचता हूँ, उस वक्त वहां पर आरती चल रही थी। मंदिर में सिर्फ पुजारी ही थे जो आरती कर रहे थे। मैं जाकर के वहीं पर बैठ गया और आरती के खत्म होने का इंतजार करता रहा। आरती खत्म करने के बाद पुजारी जी आए, और जब मैंने उनका कहा कि क्या मैं यहाँ पर रात को
ठहर सकता हूँ? तो उन्होंने बड़े असमंजस में भरे हुए जवाब दिया, ये एक सिद्ध पीठ है और रात को यहाँ पर ठहरना किसी का भी अलाउड नहीं है। उससे भी बड़ी बात यह है कि रात को टेम्पल बंद हो जाता है और यहाँ पर कोई भी नहीं होता, तो शायद ये आपके लिए सुरक्षित जगह ना हो। अब वो क्योंकि मेरी मदद करना चाहते तो उन्होंने कहा कि क्योंकि ये सिद्ध पीठ है, आप यहाँ थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठ जाओ, मैं तब तक आपके लिए कोई रहने का अरेंजमेंट करता हूँ। आंखें बंद करके ध्यान लगाने में अगला आधा घंटा 5 मिनट में बीत गया। उन्होंने आकर मुझे उठाया और कहा कि एक शिव मंदिर है उनके घर के पास, आप चाहें तो वहां आकर के रुक सकते हैं। उनका घर यहां से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर है। उन्होंने कहा कि अगर आप 8 किलोमीटर अंदर की तरफ नहीं जाना चाहते हो तो थोड़ा आगे जाओगे, ओल्ड एज होम है, वहां पर जाकर के भी आप ठहर सकते हो। उन्होंने मुझे वार्न किया कि ये जो रास्ता है ये पौंडीचेरी के बॉर्डर के नजदीक है, क्योंकि वहां पर शराब सस्ती है, बहुत सारे शराबी इस रास्ते पे भटकते रहते हैं जो आपकी सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है, तो 8 बजे से पहले पहले कहीं पे सेटल हो जाना। उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया और कहा कोई भी परेशानी हो तो फोन जरूर करना। उनकी सलाह मानते हुए मैं सफर पर वापस आगे बढ़ चला और सोच ही रहा था कि कहाँ जा करके रुकूं। इसी असमंजस में जब मैं बढ़ा चला जा रहा था, किसी ने मुझे आवाज दी और जब मैंने मुड़ के देखा तो मंदिर के सामने एक छोटा सा लड़का खड़ा हुआ था और मुझे इन्वाइट कर रहा था कि आ जाओ रात को यहाँ पे रुक जाओ। देखो मैंने पूछा भी नहीं और उन्होंने कहा कि आ जाओ यहाँ पर रुक जाओ। देखिए किस तरह की हमारी बातचीत हुई। I started from the temple and I was going towards this side. So this guy stopped me and he said, "Bhaiya, ruko." What did you say? You said, "Bhaiya, ruko," right? No? You can. So he said, "You stay there in the temple." And I can see those are also sleeping here. All people are sleeping here. So I can also sleep. You can also sleep. Be safe. Mobile charging. इस मंदिर में ठहरने में अपने सामान को सुरक्षा को लेकर के मैं थोड़ा कंसर्न था, लेकिन बाद में मैंने उनकी सलाह मान ली। हाँ, नो प्रॉब्लम। व्हाट्स योर नेम? सुनील। योर नेम? सिंदमल। सिंदमल। हे गाइस, दिस गाइस आर वेरी कॉन्फिडेंट, फुल सेफ, नो प्रॉब्लम। ओह वाओ, शी इज सेइंग स्लीप हियर। या या, शी इज सेइंग नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, फुल सेफ। उसी मंदिर के अंदर मैंने अपना टेंट लगाया, साइकिल को मंदिर के पीछे लॉक करके रख दिया। दिस प्लेस ओके, थैंक यू। दोस फुल नाइट स्लीप हियर। दिस आल्सो अंकल, फुल नाइट हियर। अब क्योंकि सामान छोड़ करके मैं कहीं खाना खाने जा नहीं सकता था, तो मैंने उनमें से एक लड़के को 50 रुपये दिए और उसने मेरे लिए डोसा पैक करा करके ला दिया। उसी मंदिर के अंदर बैठकर लोगों को कैरम खेलते हुए देखकर मैंने खाना खाया और उनके साथ कैरम की एक बाजी भी लगाई जो कि मैं हार ही गया, वो तो मास्टर लोग थे। सो वी आर सिटिंग एंड प्लेइंग कैरम राइट नाउ। दिस इज माई पार्टनर। व्हाट्स योर नेम? योर नेम? अरुणाचल। मुझे जो चीज़ समझ में आई ना, ये जो टेंपल हम गांव के बाहर बने हुए देखते हैं, ये सिर्फ पूजा करने की जगह नहीं है, ये एक तरह का कम्युनिटी सेंटर है। यहाँ पर हर कोई आ सकता है, गेम खेल सकता है, बैठ सकता है, लोग आकर के मंदिरों में सो जाते हैं। मैंने किसी भी मंदिर का इस तरह का प्रयोग होते हुए जिंदगी में पहली बार ही देखा है। सो व्हाट आई हैव लर्न टुडे, सो आई हैव लर्न टुडे दैट सो रामनाथपुरम और कन्याकुमारी की तरफ एक अलग ही तमिलनाडु है और रामनाथपुरम और चेन्नई के बीच में एक अलग ही तमिलनाडु है और दोनों एक दूसरे से बहुत जुदा है। उस तरफ के लोग जहाँ इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, वही यहाँ के लोग एटलीस्ट बेसिक इंग्लिश में आपके साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। पढ़े लिखे ना होने की वजह से शायद वो बहुत शाय हैं, आपसे बातचीत कम कर पाते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है। वही यहाँ पर लोग पढ़े लिखे होने की वजह से ज्यादा ओपन है, क्योंकि तमिलनाडु का वो हिस्सा थोड़ा गरीब है। मैं तो उसको बोलता हूँ कि वो इंडिया की किसी भी स्टेट से, इवन तमिलनाडु के इस हिस्से से मुझे वो हिस्सा करीब 20 या 30 साल पीछे महसूस होता है। वहाँ के लोग जहाँ बहुत शर्मीले हैं, शाये हैं, वही यहाँ के लोग आपको अप्रोच करते हैं, आपसे बात करते हैं और लोगों से इंटरेक्ट करना, उनके कल्चर को समझना, यही तो मेरे जर्नी का मकसद है। उस तमिलनाडु के कंपैरिजन में इस तमिलनाडु में ज्यादा खुश और ज्यादा अच्छा महसूस करता हूँ। आज मैंने सीखा है कि मुझे चीज़ों को जनरलाइज नहीं करना चाहिए। तमिलनाडु के उस हिस्से को देखकर मैंने जो जनरल स्टेटमेंट्स दी थी वो तमिलनाडु के इस हिस्से पे एप्लीकेबल ही नहीं होती है, और यही वजह था कि लोग इस हिस्से को देख करके मेरी उस वीडियो के ऊपर इतने सारे कमेंट और डिसलाइक कर रहे थे। तो मेरी जो परसेप्शन है तमिलनाडु के बारे में वो बदल चुकी है। आज मैंने टोटल 50 रुपये ही खर्च किए हैं। सुबह का नाश्ता लॉयंस क्लब के मेंबर ने करा दिया था, लंच मैंने किया नहीं था और डिनर पे मैंने 50 रुपये खर्च किए। तो आज के एपिसोड में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर
वॉचिंग। इस तरह के शानदार कल्चरल एक्सप्लोरेशन के लिए, एडवेंचरस जर्नी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।